बहुजन समाज पार्टी पंजाब से आई बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मिला समर्थन। पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और कहा है कि पंजाब की डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और उनके संस्थापक अध्यक्ष श्री पारसोत्तम चड्ढा इन्होंने शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे दिया है और इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी अदा किया है। सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद गठबंधन के ताकसली कार्यकर्ताओं की तरह DPI पार्टी के सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने अपील की कि बहुजन समाज पार्टी यह सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए बहुजन आंदोलन के महापुरुषों ने सत्ता का रास्ता चुना है। जिस तरह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बहुजन समाज को अपवित्र और गैर सांप्रदायिक घोषित किया है, ऐसे जुल्म के काले युग में देश के दलित, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की जो वैचारिक प्रतियोगिता की जा रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी उन्हें जमकर जवाब देगी। इस मौके पर प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर नचतर पाल, श्री परशुराम चड्ढा और श्री कृष्णलाल जी उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने इनका आभार व्यक्त किया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।